आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। हर स्टेप की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो पहला स्टेप है एक सेमी सर्कल बनाना, ठीक है। सेमी सर्कल आप देख रहे हैं। अब सेमी सर्कल का थोड़ा सा नीचे का पोर्शन टिल्ट कर दिया, 1/3 पोर्शन ऊपर वाले के, ठीक है। तो ऊपर से हमने टिल्ट किया नीचे की तरफ, देन दिस सेमी सर्कल हाफ एंड देन। अब यहाँ आगे से एक छोटा सा एस पोर्शन लेंगे और नीचे तक उसको सर्कल फॉर्म में ले आएंगे। ये पूरा फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें हमने पहले एक हाफ सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप के लिए हम ये कर्व पोर्शन बनाएंगे 3-3 की फॉर्म में, ठीक है। डिफरेंट फोल्डिंग्स हैं ये। अब दूसरे साइड से हल्का सा अंदर की तरफ लेके गए, फिर यहाँ से एक ये क्वेश्चन मार्क लेते हुए नीचे रिवर्स में 3 बनाते, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कर्व पोर्शन लिया और दूसरी साइड से अंदर ले जाके क्वेश्चन मार्क लेते हुए 3 बना दिया। ये सेकंड स्टेप यहाँ पे कवर हो गया। अब थर्ड स्टेप इसको कंप्लीट करने का, एक यहाँ से लिया एक बल्जिंग आउट बलून काइंड ऑफ बनाया, ठीक है। बलून को अंदर की तरफ लेके गए। अब यहाँ से 2 कर्व लेने हैं, ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये ऊपर वाला भी कर्व और नीचे वाला, ठीक है। लिया ऊपर से एक बलून शेप बनाई, ठीक है, यहाँ से बलून शेप, देन एक फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व, ये 2 सेपरेट पोर्शन हैं। अब जो अंदर वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम बीन शेप, जैसे किडनी, किडनी काइंड ऑफ शेप होता है, ठीक है, बीन शेप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट अंदर से हमने मेम्ब्रेन को इस तरह से बनाने के लिए लाइन्स को ड्रॉ किया, तो ये एक सेक्शन कंप्लीट होता है, ये ऐसे ही रहने देंगे आप। अब जो ये बीच का सेंटर का खाली पोर्शन है, ठीक है, उसके लिए पहले यहाँ पे ठीक किया। अब जो ऊपर का खाली पोर्शन है, इसमें इस तरह से कर्व लाइन बनाई, ठीक है, और इसके नीचे हमने काइट शेप में, जैसे देखो एक ट्रायंगल काइंड ऑफ, ठीक है, काइट शेप में ये नीचे की तरफ, नीचे और अब नीचे 2 पैरेलल लाइंस। अभी मार्कर थोड़ा मोटा है, अगर आप पतले पेन यूज करते हैं तो ईजिली आपसे यहाँ पे ये एक गैप देते हुए लाइन बन जाएगी जो एंड में ज्वाइन है, ठीक है। तो ऊपर हमने कर्व किया, नीचे ये काइट शेप स्ट्रक्चर बनाया नीचे तक, तो ये पूरा आउटर स्ट्रक्चर ब्रेन का कंप्लीट हो गया। अब इनर लाइंस के लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स बना देंगे, ये किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से लेता हुआ बीच में, ऐसे आप टी शेप भी करो तो डिफरेंट अपने आप ही बाद में वो फोल्डिंग्स में आपको नजर आएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है, आप कहीं से भी फोल्डिंग्स ना डिफरेंट फोल्ड्स बनाने हैं। तो ये मेन स्ट्रक्चर इसका बन गया यहाँ पे, ठीक है। आउटर कवरिंग है यहाँ पे, ये पोर्शन हो गया, कर्व लाइन को ऐसे बाहर लेते गए थे हम, ठीक है। अंदर वाले पोर्शन में यहाँ तक लेके आए थे, नीचे वाले में बल्जिंग वाला पार्ट बनाया, यहाँ पहला कर्व फिर दूसरा कर्व, ये जो खाली पोर्शन था, ठीक है, यहाँ पे ये और बीच में गाइड स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब जो ये गैप है इन दोनों के बीच में, इसमें डिफरेंट, जैसे 3 मेम्ब्रेन बनानी होती है हमने, तो आप पेंसिल से लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे डबलिंग कर देंगे। जैसे अभी तो मैं ये सिंगल लाइन ही बना रही हूँ, पर आप यहाँ पे 2 लेयर्स बना सकते हैं बिल्कुल ज्वाइन करते हुए। और जो बबल सा बनाया था वो ज़रूरी नहीं है टच करे, यहाँ भी मार्कर मोटा था तो टच हो गया, अदरवाइज आप इसको साइड से बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। अब जो ये फ्रंट सेक्शन है, ये हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये जो सेंटर में बनाया, दिस इज मिड ब्रेन, ठीक है। और जो ये नीचे हमने 3 सेक्शन बनाए थे कर्व लाइंस लेते हुए, ठीक है, कर्व लाइंस, और ये एक अलग से बीन शेप जो बनाया था, ये पार्ट है हिंड ब्रेन का, इसका नाम है पोन्स। देन दिस इज मेडुला, नीचे वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व पोन्स, नीचे वाला मेडुला, अभी लिखा हुआ नीचे है, ठीक है, मेडुला। और जो बीन शेप बनाई थी, ये है सेरिबेलम। तो ये तीनों पार्ट हैं किसके, हिंड ब्रेन के। तो हिंड ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, पॉन्स, ऊपर वाला कर्व पोर्शन, नीचे का कर्व, मेडुला और सेरी, पॉन्स, मेडुला, सेरिब्रम, कॉम्बिनेशन में तीनों पार्ट को बोलेंगे हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से मार्क करना है, पॉन्स और मेडुला में डिफरेंस है, 2 कर्व लाइन है अलग अलग, ठीक है, ऊपर वाली कर्व और नीचे वाली कर्व, फोर ब्रेन हुआ, मिड ब्रेन हुआ, और ये तीनों सेक्शन मिलके हमारा क्या बनेंगे, हिंड ब्रेन, ठीक है। अब ये जो बल्जिंग आउट पोर्शन है, ये है
एक अलग ही ग्लैंड है, अलग ही पार्ट है, अच्छे से इसको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हुआ पिट्यूटरी। और इसी के ऊपर जो मिड ब्रेन का एक एंड है, अपोजिट एंड, ये वाला, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को भी हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन के साइड वाइड पोर्शन। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, जितना भी फोर ब्रेन का पार्ट है जो हमने कर्व लाइंस बनाई है, ये है सेरिब्रम। ठीक है, एक तो सेरिबेलम था, सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है, और फोर ब्रेन का मेजर सेक्शन जो है वो है सेरिब्रम, थिंकिंग पार्ट जो ब्रेन का है। सेंटर में हुआ मिड ब्रेन, ठीक है, हाइपोथैलेमस एक साइड पे, पिट्यूटरी उसके नीचे। ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला के लिए हमने कर्व लाइन बनानी है। ठीक है, और पूरे स्ट्रक्चर की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब ये लाइंस आपस में टच हो रही है, जरूरी नहीं है कि पिट्यूटरी लाइन से टच हो, ये मार्कर थोड़ा सा मोटा था इसलिए यहाँ पे ये टच हो गया। ठीक है, अब जो ये आउटर कवरिंग है ब्रेन की, ठीक है, ये है क्रेनियम, स्कल बॉक्स, ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है ब्रेन को किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, और इसी के नीचे, क्रेनियम के नीचे ही तीन मेम्ब्रेन्स हैं, मेनिंजेस जिसको बोला जाता है, और इसी के साथ इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है सेल में, तो ब्रेन में जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। मेनिंजेस और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये एब्जॉर्ब करता है प्रेशर को, शॉक को। ठीक है, तो दोनों ही एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्रेनियम जो है दैट इज ब्रेन बॉक्स, वो कोई भी मैकेनिकल इंजरी से, और प्रेशर, इंटरनल प्रेशर और शॉक जो होता है उसे एब्जॉर्ब करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।